ये जहां तक छिलको और विलेज मोइनाबाद की जो मस्जिद का जो सा है, बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है कि वो एक वाकया के नहीं होने का वाकया है, वो हुआ है। वो एक 400 साल मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए जब हम इसका पूरा इंक्वायरी किए हैं, रिपोर्ट लिए हैं, तो ये कोई सरपसंदी नहीं, कोई रियल इस्टेट अपने पैसों की हवस के लिए इस मस्जिद को शहीद किया है। तो उसको जब उसके बाद हम जब शहीद होने के बाद मुकाम पे पहुंचे, मैं पहुंचे, हमारे टेम्ब्रिज के प्रेसिडेंट साहब पहुंचे और दूसरे जमात के कायदीन पहुंचे और माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब पहुंचे, हम सब पहुंचे, इमीडिएट वहां पर एक्शन में आए, वहां पर मौके की वारदात पर पहुंचे, फिर वहां पर हम इमीडिएट शेड डाल दिए, शेड डाल के बोर डाल दे के वहां पर नमाज शुरू किए। जहां तक उसको दूसरे दिन की जब मीटिंग की बात है, वहां पर मुकामी मुसलमान लोगों से हम बुला के बात की है और गैर हमारे जो हिंदू भाई है उनसे भी हम बुला के बात किए, जिसमें मंदिर के पुजारी भी थे, बात किए थे। सबका मानना यही है कि वो जो हरकत हुई है बिल्कुल गलत हुई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, क्योंकि जमहूरियत में और इंसानियत में और कोई भी मजहब में किसी एक दूसरे की इबादतगाह को शरीर डिस्टर्ब करना या शहीद करना या उसको तोड़ना या किसी के कोई मजहब में इजाजत नहीं, तो वो लोग फिर खुद अग्री कर रहे हैं कि हमारे पास एक गंगा जमुना तहजीब का माहौल है, लेकिन इस तरीके से हरकत करके हम सबको एक शर्मिंदगी की जैसा हमको एक वो किए हैं करके उस पर हमारे हिंदू भाई भी उसके लिए अग्री हो रहे हैं। और वो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सर्वे नंबर 133 जिसमें चार घंटे आते हैं, वो वक्त की जमीन है। 1954 से 50 से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड में वो वक्फ की ज़मीन है, वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और लोकल के लोगों का भी यही कहना है कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ तक मंदिर की मस्जिद की तामीर का जहाँ तक सवाल है, तो मस्जिद की तामीर की पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। हम वहाँ पर एक टीम को बिल्कुल मुतयन किए हैं, वहाँ पर एक टीम 24 घंटे हमारी रात सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रही। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, वहाँ के लोकल के मुसलमान भाइयों से भी बात हुई, लोकल के हिंदू भाइयों से भी बात हुई, वो लोग भी उसको ताउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ उनके भी कम्युनिटी में कुछ लोग सरपसंद लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग हिंदू और मुसलमान भाई मुत्तहिद है। वहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का जो माहौल है उसको ख़राब ना हो, इसलिए वो हमसे एक दो दिन का टाइम भी पूछे हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह बोनाल वगैरह का फेस्टिवल है, उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से भी एक एस्टिमेशन के लिए हमको आ गया है, हम उसको एस्टिमेशन बना के within 7 days के अंदर हमको एस्टिमेशन बना के सबमिट करने के लिए बोले हैं। within 7 days हम उसका एस्टिमेशन बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, इमीडिएट वहाँ पर काम शुरू होगा और वहाँ पर मस्जिद आबाद होगी। वहाँ पर और मस्जिद आबाद होने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हमको किसी कोई वहाँ पर मस्जिद बनाने से रोक नहीं सकता, हम वहाँ पर रुके, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग से वहाँ पे मैसेजेस जा रहे हैं, लोग जाके जो लोग अपने अपने तरीके से उसको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्लियर मैसेज यही है कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनेगी और मस्जिद वहाँ पर कायम होगी, उस पर वक्फ बोर्ड पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद बना दे। सिर्फ हम उसको थोड़ा सा डिले होने का, एक 2-3 दिन डिले होने का, कि लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल के दो लोग कमेटी के लोग बैठ के बात करके बोले के, क्योंकि बोनाल 2-3 दिन फेस्टिवल का टाइम है, 2-3 दिन के बाद आप काम शुरू करिए, हम पूरा उसमें हम ताउन करेंगे। तो अब वहाँ पर जो भी काम होगा मुकामी लोग वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उनके तालमेल के साथ पूरा काम होगा और पूरा मस्जिद मुकम्मल मस्जिद वहाँ पर बनेगी, क्योंकि वो मस्जिद को रास्ता भी नहीं है, हम उसका भी बातचीत कर रहे हैं, वो ज़मीन के ओनर से बात करके उसको रास्ता निकालने की बात करें, रास्ता उसको मेन रोड से अप्रोच होने का, पूरे मस्जिद का वो रास्ता भी हम कायम करेंगे आने जाने के लिए, और मस्जिद भी वहाँ पर एक मस्जिद वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर कायम होगी। मंदिर वालों का जो बयान है वो
दूसरे दूसरे जिस दिन हमारी बात हुई उसके बाद फिर वो बयान दिए हैं, उनका फिर हम उनसे बात किए हैं, तो वो भी कुछ प्रेशर में आके उस तरीके का दिए हैं, लेकिन उनका उससे कोई इत्तेफाक नहीं, वो लोग भी उसका वो टूटने का अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप बनाइए। हाँ नहीं, अभी बाउंड्री बनने के बाद उसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना के लॉक कर दीजिए, एक दो चार दिन के बाद जरा माहौल थमने के बाद हम उसको हम काम शुरू करेंगे। बस उनका एक ही चीज ये है, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि गांव के दो भी लोगों का एक ही कहना है कि हम यहाँ पर सालों से मुत्तहिद होके एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम जाते हैं, बस हम आपस में बैठ के उसको मस्जिद को कर लेंगे। आप मेहरबानी करके बाहर से आप लोग आके माहौल को, हमारे गंगा जमुना तहजीब को, हमारे पुराने जो गांव का कल्चर है उसको खराब मत कीजिए, सब बनाने के हम लोग आपस में बैठ के उसको बनाएंगे। उसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा उसके निगरानी में पूरा काम कंप्लीट करेगा इसका। इसको अरेस्ट हुआ वो जेसीबी सीज होगा, ओनर भी अरेस्ट हुआ और अरेस्ट हुआ उसको, मैं वो भी आपको मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अरेस्ट कर उसका रिमांड कॉपी। मैं वो उसके बाजू के गांव में जो है टोम है वो मैं वहाँ के जो मुतवली साहबात है वो मेरे से बात किए हैं वो, और गांव के जिम्मेदार भी बात किए हैं, उनको मैं बोला हूँ कि तफसील आप लैंड के जो डिटेल्स है आपका, जो भी आप वो कमेटी के मुतवली है, जो भी आप डिटेल्स लेके आके दीजिए, वक्फ बोर्ड के जानिब से इमीडिएट उसकी हिसारबंदी करेंगे और जो भी हो सकता हम करेंगे बोल के बोले। जहाँ तक जो गैर आबाद मस्जिद का सवाल है, हमारे साथी अभी पूछे थे गैर आबाद मस्जिद का, मैं उस दिन भी बोला हूँ आज भी बोल रहा हूँ, जहाँ At MS Creative School, we impart modern education with strong Islamic values. Learn Quran with Tajweed, receive Tarbiyat from eminent scholars, and benefit from continuous religious guidance. Inculcate Akhlaq for a fulfilling life. Please click the link given in description for more details.